हेलो एवरीवन, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं अंकित विश्वकर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग ने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि हमारा जो जनरेटर वाला चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर में हम स्टार्ट करेंगे। जनरेटर के कुछ लॉसेस वाली चीज़ें पढ़ने बाकी है। तो जनरेटर और मोटर दोनों की मशीन की बॉडी सेम ही होती है, दोनों में लॉसेस सेम ही होते हैं, तो हम लॉसेस के बारे में डीसी मोटर के अंदर पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर के हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन बटन दबा लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलते रहेगी। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ डीसी शंट मोटर इज रनिंग एट लाइट लोड, व्हाट विल बी द हैपन इन फील्ड वाइंडिंग गेट्स ओपन। यानी क्या बोल रहा है कि एक शंट मोटर है। कौन सी मोटर है? शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, लाइट लोड पर चल रही है। अगर उसकी फील्ड वाइंडिंग अचानक से खुल जाए, यानी उसकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाए, खुल जाए, तो क्या होगा, मोटर में क्या इफेक्ट आएगा? तो ऑप्शन है ए, मोटर जल जाएगी। फिर हो जाएगा, मोटर विल पिकअप हाई स्पीड, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। मोटर विल मेक नॉइस, मोटर क्या करेगी, शोर करेगी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर विल पिकअप हाई स्पीड। देखो कैसे स्पीड पकड़ लेगी, जैसे ही इसकी क्या हो जाएगी, शंट फील्ड वाइंडिंग अचानक से मोटर चलती, मोटर में लाइट लोड पर अगर मोटर चल रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो जाती है तो मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, देखिए अगर हम इसको यहाँ समझते हैं, तो ये एक शंट मोटर का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर लगा हुआ है, ये आर्मेचर लगा हुआ है और ये हमारी शंट फील्ड लगी हुई है, और यहाँ पर ये डीसी सोर्स हमने दिया हुआ है। जब डीसी सोर्स दिया जाता है तो यहाँ से एक करंट फ्लो होती है आईएल लोड करंट, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है इस वाली कॉइल के अंदर जो होती है शंट फील्ड करंट फ्लो होती है, और इसमें से आर्मेचर करंट फ्लो होती है। ठीक है, जैसे ही इस शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी, ओपन होने के कारण यहाँ पर जो फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फ्लो लगभग धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो हमको पता है कि जो स्पीड है, यानी स्पीड किस पे डिपेंड करता है, एन इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/5, यानी फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्पीड। अगर फ्लक्स कम होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब देखोगे, जब ये वहाँ से ओपन हो जाएगी कॉइल ओपन होने पर इसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लक्स लगभग कम होते होते एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स कम हो जाएगा, तो जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू अचानक से बहुत हाई स्पीड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड यहाँ पे मोटर जो है चलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफिशेंसी ऑफ अ मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। क्या कर सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक इफिशेंसी क्या हो जाए, मशीन की इफिशेंसी बढ़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग लॉसेस, कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लॉसेस, कैन इंक्रीज बाय कीपिंग लॉसेस कॉन्स्टेंट, नॉट इफेक्ट बाय लॉसेस। देखिए अगर हमको इफिशेंसी में चेंज करना है, यानी इफिशेंसी हमको क्या करना है, बढ़ाना है, हमारी मोटर की जो इफिशेंसी हमको उसको अच्छे से अच्छा करना है, तो इफिशेंसी बढ़ाने के लिए क्या होगा कि जो स्पीड, देखिए म्यू इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये लॉसेस का क्या, ये हमारा क्या होता है, मशीन की इफिशेंसी का फॉर्मूला होता है। इस कंडीशन में अगर इसको हम बोल सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकता है, इनपुट प्लस लॉसेस अपॉन इनपुट, यानी कि हमको अगर इसको क्या करना है, मशीन की इफिशेंसी को बढ़ाना, तो इस लॉसेस को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को कम करना पड़ेगा। तो हम जितना इनपुट देंगे हमको उतना ही आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बीच में जो लॉसेस हो जाएंगे अगर वो जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मशीन की इफिशेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग लॉस, यानी हानि घटाकर हम क्या कर सकते हैं, हानि घटाकर के बढ़ाया जा सकता है, किसको बढ़ा सकता है, इफिशेंसी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है, कैन बी कंट्रोल बाय शंट फील्ड रेगुलेशन, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय डाइवर्टर, इंक्रीज एस फ्लक्स डिक्रीज, इंक्रीज एस आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हमारी क्या हो जाए, सीरीज जो जनरेटर है, सीरीज जो मोटर है उसकी स्पीड में क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। कैसी होती है, जो स्पीड होती है किसकी, सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। अभी हमने बताया कि जो फ्लक्स का
देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, स्पीड की अगर हम बात करें, एन इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ फ्लक्स के। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड कैसी होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये बोला है कि द स्पीड ऑफ सीरीज बाउंड मोटर, यानी स्पीड कब होगी, जब फ्लक्स का मान कम होगा तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इसमें से कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी हो जाएगी, एसी जनरेटर, डीसी मोटर, सेल, डीसी जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी मोटर। यहाँ पर जो डीसी मोटर है वो मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं और आउटपुट में हमको यहाँ पर मोटर घूमती है तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। यहीं पे अगर हम बात करें एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर सेल की बात करें तो केमिकल एनर्जी में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डीसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करेंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स इज लॉ इज स्टेट बाय एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकन क्षेत्र में उपस्थित है। यानी एक कॉइल को हम क्या करते हैं, एक धार जिसके अंदर से करंट फ्लो रही, उस कॉइल को हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, उप रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस कॉइल में एक फोर्स का हमको अनुभव होता है, फोर्स का हमको अनुभव होता है। तो यहाँ नियम दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो ये पूछा है किसके लिए दिया जाता है। देखिए ये नियम जो है वो डीसी मोटर के लिए दिया जाता है। जनरेटर में तो हम क्या करते हैं, एक फ्लक्स रखते हैं या मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं, इसके बीच में कंडक्टर को घुमाते हैं। यहाँ पे डायनो में भी सेम जनरेटर का ही होता है, एसी जनरेटर में भी सेम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या किया जाता है, यहाँ पर एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, एन और एस मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्मेचर रखते हैं, और आर्मेचर को हम सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई जब देते हैं तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसका एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र और इधर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, और यहाँ पर जो हो जाता है एक फोर्स का अनुभव करता है कौन, आर्मेचर। तो यहाँ पर ये मोटर घूमने लगती है। तो यहाँ पर जो किसके लिए बोला गया है, डीसी मोटर के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर इज रिवर्स्ड यूजुअली रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ द, यानी हमको क्या करना है, वार्ड लियोनार्ड मेथड होती है स्पीड कंट्रोल करने की, वार्ड लियोनार्ड मेथड होती है, उसकी हमको डायरेक्शन किसकी, रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करना है। तो रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसके जो है टर्मिनल को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर किसके टर्मिनल को आपस में चेंज करना पड़ेगा, तो मोटर आर्मेचर टर्मिनल को, जनरेटर के आर्मेचर टर्मिनल को, जनरेटर के फील्ड के आर्मेचर टर्मिनल को, और मोटर के फील्ड के टर्मिनल को। तो जब भी यहाँ पे हमको रोटेशन चेंज करना होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोटर आर्मेचर के टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, देखिए एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर का पहले पॉइंट ये मान लीजिए संट जनरेटर, एक प्रकार से बता रहा हूँ संट मोटर है, ठीक है। तो पहले A1 और ये A2, जब A1 और A2 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ऊपर A1 नीचे A2, तो इसको उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, तो यहाँ A2 से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ A1 से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये आपस में चेंज करने से क्या हो जाती है, इसमें रोटेशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की गति नियंत्रण की संटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि, यानी क्या बोल रहा है कि द संटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी संट मोटर, यहाँ पर क्या कैसे किस प्रकार से उपयोगी है हमारे लिए, जो संटेड आर्मेचर कंट्रोल मेथड होती है स्पीड कंट्रोल की, उसके लिए बोला गया यहाँ पे, तो लॉसेस लेस वाट वेस्टफुल, यानी कम फिजूल खर्ची है, कम महंगी है, तीव्र परिवर्तन भारों के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग लोड, अचानक से अगर लोड चेंज हो जाए तो उसके लिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये स्पीड कंट्रोल की मेथड हमारे लिए बहुत अच्छी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी डीसी मोटर का जो स्टार्टर है वो इनमें से कौन सा नहीं है। डीसी मोटर के लिए हम स्टार्टर जो यूज़ करते हैं कौन कौन सा स्टार्टर नहीं है। पहला हो जाएगा 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ हम एसी में करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना स्टार डेल्टा स्टार्टर यहाँ पे डीसी स्टार्टर नहीं है। 2 पॉइंट स्टार्टर से हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट से हम शंट और कंपाउंड दोनों ही मोटर का यहाँ पे स्पीड कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इन डीसी मोटर कनेक्ट कंडीशन ऑफ फोर मैक्सिमम पावर इज, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए क्या शर्त होती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बैक EMF 1/2 सप्लाई वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, मैक्सिमम हमको पावर चाहिए डीसी मोटर में, तो EMF जो होता है यानी EB बैक EMF किसके बराबर होता है, 1/2 सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, बैक EMF जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर को हमको अगर लेना है, यानी क्या बोल रहा है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए, डीसी मोटर में मैक्सिमम पावर के लिए हमको क्या कंडीशन होती है कि सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए क्या, बैक EMF, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इफ 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई, देन विल बी 200, क्या बोल रहा है कि तब क्या होगा, अगर हम क्या करें 230 वोल्ट की एक डीसी 230 वोल्ट 230 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई से अगर जोड़ देते हैं, तो उस मोटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर बोला गया है मोटर स्मूथली रन, मतलब मोटर सुचारू रूप से चलेगी जैसे नॉर्मल चलती है, स्टॉप हो जाएगी यानी रुक जाएगी, बर्न आउट मतलब जल जाएगी, रन विथ लेस इफिशेंसी एंड हाई स्पार्किंग के। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो मोटर कैसी चलेगी, रन करेगी लेकिन लेस, कम इफिशेंसी के साथ और हाई स्पार्किंग के साथ यहाँ पे ये मोटर रन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्ट ऑन लोड, ऑलवेज रन एट कॉन्स्टेंट स्पीड, इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मे रन अवे द फील्ड गेट ओपन्ड। क्या बोल रहा है कि डीसी सीरीज मोटर सबसे हमको लिए काहे के लिए उपयोगी है, तो डीसी सीरीज मोटर यहाँ पर याद रखिएगा कि डीसी सीरीज मोटर जो होती है वो शुड ऑलवेज बी स्टार्ट ऑन लोड, डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चालू करना चाहिए, नो लोड पर इसको नहीं चालू करना चाहिए नो लोड पर, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है नो लोड पर बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसमें, इसके मतलब क्या हो जाता है, इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, इसलिए इसको हम हमेशा जो डीसी सीरीज मोटर को लोड पर ही स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किस डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैव अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड, कौन सी मोटर की जो स्पीड है लगभग कांस्टेंट होती है, सीरीज मोटर की, संट मोटर की, कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संट मोटर। संट मोटर की लगभग स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी मोटर इज गिवन बाय, यानी आर्मेचर करंट के लिए हमको फॉर्मूला निकालना है, किसके लिए, डीसी मोटर का आर्मेचर करंट हमको निकालना है, तो किस प्रकार से निकालना है, देखो अगर डीसी मोटर का आर्मेचर यानी आर्मेचर करंट हमने सप्लाई वोल्टेज दिया वी, यहाँ पे क्या हुआ, बैक EMF जनरेट हुआ, बैक EMF क्या कैसा होता है, बैक EMF जनरेट हुआ, बैक EMF किस क्या हो जाएगा, माइनस IaRa, ठीक है। तो यहाँ बैक EMF जो हो जाएगा, वोल्टेज हमको जो मिल रहा है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वोल्टेज निकल जाएगा, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमको आर्मेचर करंट यहाँ पे ये आर्मेचर करंट निकालना, तो Ia इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ia इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस EB अपॉन RA, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी V माइनस EB अपॉन RA यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर डिपेंड ऑन डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो हमको पता है कि ईबी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है NP∅Z60/A, 60 × A, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, पोल है, फ्लक्स है, नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा ऑप्शन में, निम्नलिखित पर निर्भर करती है, फील्ड फ्लक्स पर, शेप ऑफ कंडक्टर पर, ब्रश मटेरियल पर, टाइप ऑफ स्प्लिंग पर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किस पर डिपेंड करती है, फ्लक्स पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स पर डिपेंड करती है डीसी मोटर की का जो बैक ईएमएफ, ठीक है। बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, फील्ड फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यानी ईबी इज प्रोपोर्शनल होता है फाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ कंपाउंड डीसी जनरेटर डीसी मोटर कैन बी इफेक्टिवली रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से विपरीत दिशा में चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें लाइन लोड, सीरीज फील्ड कनेक्शन, आर्मेचर कनेक्शन, संड फील्ड कनेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्मेचर कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर कनेक्शन को यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कंपाउंड मोटर इस प्रकार से होती है, मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर है, आर्मेचर के पैरेलल में एक संट कॉइल लगी हुई है और आर्मेचर यहाँ पर एक सीरीज में एक सीरीज कॉइल लगी हुई है। तो इस आर्मेचर के टर्मिनल को आपस में चेंज कर देंगे तो हमारे जो प्रभावी रूप से बदले क्या हो जाएगी, मोटर की स्पीड जो डायरेक्शन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। अ डीसी मोटर कैन बी इजिली आइडेंटिफाई बाय, डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचान सकता है। डीसी मोटर को पहचानने के, देखिए आपके पास अगर एसी मोटर रखी हुई है और एक डीसी मोटर रखी हुई है तो आपको उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका कि आप उसको कम्यूटर देख लो। एसी मोटर में लगभग कम्यूटेटर नहीं होता है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है। तो यहाँ पर आप सबसे तरीका क्या है कि कम्यूटर हम वहाँ पर दिख जाएगा तो ये हमारे लिए डीसी मोटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टधारी मोटर में प्रवर्तक स्टार्टर का उद्देश्य क्या है। देखो जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर में स्टार्टर लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी क्या पर्पस है स्टार्टर लगाने का। तो स्टार्टर लगाने का क्या है, ओवरलोडिंग से सुरक्षा करना, बैक ईएमएफ को बढ़ाना, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना या स्टार्टिंग करेंट को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर हमको क्या करना है, स्टार्टर का लगाने का उद्देश्य ये होता है कि स्टार्टिंग करंट को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कंट्रोल करके चलता है, ठीक है, कंट्रोल करके रखता है ताकि स्टार्टिंग में हैवी करंट फ्लो ना हो, ताकि मोटर हमारी ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर डीसी सीरीज मोटर नो लोड पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा। अगर हम डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर चालू करते हैं तो क्या होगा, स्टार्ट होने में समय लगेगी, बहुत गर्म हो जाएगी, वहाँ नहीं चलेगी, खतरनाक गति पकड़ लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि जो डीसी मोटर को अगर हम नो लोड पर चलाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खतरनाक गति पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी खतरनाक गति, देखिए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है 1/5 यानी फ्लक्स के, ठीक है, फ्लक्स पे। और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे फ्लक्स जो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, करंट जितनी बढ़ेगी फ्लक्स उतना बढ़ेगा और फ्लक्स जितना बढ़ेगा उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, डीसी मोटर में अगर हम डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर चलाते, नो लोड पर चलाते तो क्या होगा, देखिए लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में मतलब क्या होगा, बढ़ती है तो और मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब लोड करंट हमारे पास लोड जीरो है, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, लोड करंट भी जीरो है, लोड करंट जीरो है तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, लगभग फ्लक्स हो जाएगा जीरो। और अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो क्या हो जाएगी, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/5, तो यहाँ 5 हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि क्या हो जाएगी, एक प्रकार से खतरनाक गति पकड़ लेगी डीसी सीरीज मोटर और हमारी मोटर ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमको इसको डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द, डीसी मोटर का टॉर्क किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर का टॉर्क किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, डीसी मोटर का टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला बोले, आर्मेचर टॉर्क हमको निकालना है डीसी सीरीज मोटर का, डीसी मोटर का, तो आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला होता है TA इज इक्वल टू फाई ZP IA अपॉन
पाई ए ये होता है। तो यहाँ पर ये जेड पी टू पाई ए सब क्या कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो आर्मेचर टॉर्क है टी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और आई ए के, यानी आर्मेचर करंट और किस पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज एंड द लोड, अप्लाइड वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्लक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर बी चेंज, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। अगर हमको डीसी मोटर क्लॉक, मान लीजिए कि कोई डीसी मोटर क्लॉक वाइज घूम रही थी, अब हमको उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा की दिशा में बदलने से, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से, सप्लाई टर्मिनल को आपस से बदलने से, इंटरपोल के संवर्धन बदलने से। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलना। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि या तो आर्मेचर धारा को बदल दो या फील्ड करंट को बदल दो, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों को बदलने में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हमारे पास एक डीसी मशीन है, मान लीजिए कि ये आर्मेचर है और एक संट कॉइल यहाँ पे लगी हुई है, हमको अगर इसकी रोटेशन बदलना है, हमने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज वी दिया हुआ है डीसी प्लस माइनस, अगर हम इसको हमको डायरेक्शन चेंज करना है इसके, तो या तो आर्मेचर के टर्मिनल को आपस में चेंज कर दो, ये ए वन मान लीजिए ए वन से कनेक्ट है, ये ए टू से कनेक्ट है, या तो ए टू इधर कर दो ए वन इधर कर दो, या फिर इस फील्ड कॉइल के टर्मिनल को आपस में इधर वाले को इधर कर दो, इधर वाले को इधर कर दो, यानी फील्ड कॉइल के आपस में टर्मिनल को चेंज कर दो। दोनों में से किसी एक को चेंज करने पर ही हमारी मोटर की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज फॉर कंट्रोल द स्पीड आर डीसी मोटर। तो थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरिस्टर। थायरिस्टर के द्वारा हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री स्टेटर में सिरा प्लेट की संख्या होती है, जो देयर आर नंबर ऑफ प्लेट एंड प्लेट ऑफ स्टेटर। स्टेटर में जो एंड प्लेट होती है, यानी एक प्रकार से जो स्टेटर है, ये स्टेटर है मान लीजिए मोटर का, ये स्टेटर है, स्टेटर के साइड दो एंड प्लेट होती है, एक इधर साइड लगी होती है, एक इधर साइड दो, और बीच में इसमें रोटर लगा होता है जिसमें वेयरिंग होती है इसमें, और वे इसको चलाने के लिए इस प्रकार से दो एंड प्लेट लगी होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कितनी नंबर हो जाएगी, दो एंड प्लेट यहाँ पर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर आर रेटेड इन, मोटर की रेटिंग किस में होती है, तो मोटर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो मोटर की जो रेटिंग होती है मोटर की जो रेटिंग होती है वो किलो सॉरी एचपी में होती है, मोटर की जो रेटिंग होती है कायम होती है एचपी में होती है, और जनरेटर की जो रेटिंग होती है डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो किलो वाट में जनरेटर की रेटिंग होती है, किलो वाट में जनरेटर की रेटिंग होती है, केवीए जो होती है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, ठीक है, केवीए ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर विथ देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन यूजिंग द गिवन लिस्ट। हमको क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है कि कौन सी मोटर किसके लिए यूज़ की जाती है। तो सीरीज मोटर का यूज़ कहाँ होता है, संट का कहाँ होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का, डिफरेंशियल कंपाउंड, सामने उसके उपयोग दिए गए उससे हमको मिलाना। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सीरीज मोटर को चलाने, सीरीज मोटर का यूज़ जो होता है वो ट्रैक्शन वर्क में किया जाता है, सीरीज मोटर का यूज़ ट्रैक्शन वर्क में किया जाता है। संट मोटर का यूज़ जो किया जाता है वो मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ये हो जाएगा, संट जनरेटर का यूज़ यहाँ पे किया जाता है संट मोटर का। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है इलेवेटर में, ठीक है, और डिफरेंटियल कंपाउंड जो होता है उसका जो यूज़ किया जाता है बूस्टर सेट के रूप में यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर आर यूजुअली वेयर स्टार्टिंग टॉर्क इज डिस्क्राइब। डीसी सीरीज मोटर वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ प्रारंभन आघूर्ण होता है, यानी लो
हाई, मीडियम। तो डीसी सीरीज मोटर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमको स्टार्टिंग टॉर्क कैसा चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ पे आवश्यकता होती है, जैसे ट्रेन हो गया, क्रेन हो गया, ये सब में हमको क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर का हम यूज़ करते हैं। बाइक में डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं ताकि हमको जस्ट हम लोड पर, मतलब हाई लोड पर भी जस्ट हमको क्या मिल जाए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क हमको मिल जाए। अ डीसी मोटर इज़ ऑलवेज रन विथ द हेल्प ऑफ स्टार्टर, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग हैज़ लो रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग हैज़ हाई रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग हैज़ लो रेजिस्टेंस। क्योंकि हम स्टार्टर पर इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है, वो बहुत हाई हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते थे, इस आर्मेचर कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और उस कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ाकर हम क्या करते हैं, कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को स्टार्टिंग के टाइम में कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर गति नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की कौन सी विधि इसमें से जो है वो नहीं है जो डीसी मोटर में कंट्रोल की जाती है स्पीड को, फील्ड डाइवर्टर भी अर्थात फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यहाँ पे जो डीसी मोटर के लिए यूज़ नहीं की जाती है। इसके लिए यहाँ पर कौन सी, फील्ड डाइवर्टर भी यूज़ की जाती है, वोल्टेज कंट्रोल भी यूज़ की जाती है, सीरीज पैरेलल मेथड भी यूज़ की जाती है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दें ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड कंट्रोल की कितनी मेथड होती है। स्पीड कंट्रोल डीसी संट और कंपाउंड मोटर के लिए दो प्रकार की स्पीड कंट्रोल मेथड होती है और सीरीज के लिए पांच प्रकार की स्पीड कंट्रोल मेथड होती है, और वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड और थायरिस्टर कंट्रोल मेथड सभी प्रकार की डीसी मोटरों के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे डीसी संट और कंपाउंड मोटर के लिए आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, दो प्रकार की मेथड यूज़ की जाती है, एक तो आर्मेचर को कंट्रोल करके, एक तो फील्ड को कंट्रोल करके। और यहीं पे अगर हम बोलेंगे स्पीड कंट्रोल मेथड डीसी सीरीज मोटर, तो आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फील्ड टेपिंग स्पीड कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। तो ये सारे मेथड यहाँ पे होती है किसके लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड के लिए, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होती है, क्या होता है, यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, ये देखिए एक संट हमारे पास संट मोटर है। तो संट मोटर में इस आर्मेचर के सीरीज में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसके मान को हम, जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी हमने संट फील्ड को कुछ भी नहीं किया, संट फील्ड में पहले भी जो करंट जा रही थी वो अभी भी करंट जा रही है, संट फील्ड को हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, बस एक संट फील्ड के सीरीज, आर्मेचर के सीरीज में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसके वैल्यू को हम कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए स्पीड कैसे कम जाती है, हमको पता है कि बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, आई ए आर ए होता है बैक ईएमएफ, और एन जो होता है यानी स्पीड जो होती है वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो यहाँ पर जब हम ड्रॉप बढ़ाते हैं यानी आर्मेचर करंट के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं उसके आर्मेचर का, तो क्या हो जाता है, उसमें ड्रॉप बढ़ जाता है, ड्रॉप बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, बैक ईएमएफ का मान कम होने लगता है। बैक ईएमएफ का मान जब कम होता है तो यहाँ पर बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होने से स्पीड की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिस रेशियो में यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं उस रेशियो में यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा होते कम होती रहती है। तो ये एक प्रकार से हमारी कौन सी मेथड है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो इस मेथड की एक एडवांस मतलब ये है कि इसमें हम, इस मेथड में आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हम नॉर्मल स्पीड से, यानी जो नॉर्मल स्पीड है मोटर की, यानी मान लीजिए कि 1500 आरपीएम के लिए मोटर बनी हुई थी, तो इस 1500 आरपीएम से कम ही हम स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा इससे नहीं कर सकते इस मेथड में, यानी हम नॉर्मल स्पीड से कम इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लॉसेस ये है कि आर्मेचर के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो आर्मेचर करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोड करंट आर्मेचर करंट का मान ज़्यादा होने से इसमें आई स्क्वायर आर यानी लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इस मेथड का यूज़ कमी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड कंट्रोल मेथड। देखिए फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या किया था, जहाँ पर हमने क्या किया था कि आर्मेचर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था वहीं पर, ये आर ए यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है किसके सीरीज में, फील्ड कॉइल के सीरीज में।
अब हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्मेचर में पूरी करंट सप्लाई जा रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फील्ड के यहाँ के रेजिस्टेंस में हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए एन इज प्रपोर्शनल टू होता है 1/ फ्लक्स के, फाई के। अगर हम फ्लक्स को कम करेंगे तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होती है, और करंट की वैल्यू कम होने से यहाँ पर फ्लक्स कम बनता है, और फ्लक्स कम बनने से यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो कौन सी मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड में नॉर्मल स्पीड से भी हम अधिक स्पीड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये एक प्रकार से स्पीड कंट्रोल मेथड में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये जो हमने दो देखा ये हमारे पास सेंटर और कंपाउंड दोनों के लिए उपयोगी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीरीज के लिए। तो पहली यहाँ पे आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर डाइवर्ट में क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है किसके, आर्मेचर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है अगर इसके रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा करते हैं तो इस आर्मेचर में होने वाली करंट को हम कम ज़्यादा कर देते हैं, और आर्मेचर करंट कम ज़्यादा होने कर देते हैं, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के करंट को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ने से इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ने से क्या होता है, आपको पता है कि स्पीड डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे हम स्पीड को चेंजेस कर सकते हैं। कौन सी मेथड में, सीरीज मोटर में हम जब करते हैं तो यहाँ पे आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड डाइवर्टेड कंट्रोल मेथड। तो फील्ड डाइवर्टेड कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं, जो हमने यहाँ आर्मेचर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था वही अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज फील्ड के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सीरीज आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड में किसके पैरेलल में या सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। मैं इसलिए आपको डायग्राम के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपके जब और भी क्वेश्चन बने तो वो आपको बन जाए। आर्मेचर डाइवर्ट कंट्रोल मेथड के पैरेलल में किसके, आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं, और यहाँ पर फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड में सीरीज फील्ड के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे हम सीरीज फील्ड के करंट को कम ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर फ्लक्स को कम ज़्यादा करते हैं, फ्लक्स कम ज़्यादा होने पर यहाँ पर स्पीड चेंज हो जाती है, ये हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर के हम के जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, इस सप्लाई वोल्टेज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर इस पूरे मोटर का सप्लाई वोल्टेज का हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सप्लाई वोल्टेज कम करने पर क्या होगा कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फील्ड टेपिंग स्पीड कंट्रोल। फील्ड टेपिंग में क्या होता है कि हम जो क्वाइल है सीरीज क्वाइल, उसमें टेपिंग निकाल देते हैं, इस प्रकार से टेपिंग निकाल देते हैं, और अलग अलग टेपिंग से हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर में मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, जिसमें एक तीन चार स्पीड में उसको आप चलाते हो, तो उसमें वही फील्ड टेपिंग मेथड का ही यूज़ किया जाता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए, उसमें फील्ड की टेपिंग निकाल दी जाती है, और उसको बटन से अलग अलग बार कनेक्ट कर अलग अलग टाइप की टेपिंग से कनेक्ट करके उसको चलाई जाती है अलग अलग स्पीड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड में क्या किया जाता है, जो सीरीज वाइंडिंग है उसको दो भागों में तोड़ लिया जाता है, दो भागों में बना लिया जाता है, या हम ठीक है सीरीज वाइंडिंग को दो भागों में बना लिया जाता है। अब हम इसका करते हैं, इसमें दो भाग में बनाकर क्या करते हैं, अगर हमको सामान्य गति प्राप्त करने के लिए दो अर्धभागों को हम क्या करते हैं, सीरीज में कर देते हैं, यानी नॉर्मल स्पीड से हमको अगर प्राप्त करना है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, सीरीज में एक कनेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं दोनों कॉइल को। ठीक है, अगर हम चेंज ओवर स्विच यहाँ पर लगाते हैं, और चेंज ओवर स्विच के द्वारा हमें सीरीज पहले यहाँ पर चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए, यानी नॉर्मल स्पीड से भी स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है स्पीड, यहाँ पे हमारी सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड यहाँ पे एक हो जाती है। उसके बाद ये वार्ड-लियोनार्ड मेथड और ये स्पीड कंट्रोल सभी मोटर के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर आप ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर, परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी होती है, यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ मोटर जनरली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कौन सी मोटर का यूज़ किया था, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी सेपरेटली कंबाइंड मोटर। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए हम यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए हम कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टार्टर यूज इन डीसी मोटर। डीसी मोटर का जो हम यूज करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू इंक्रीज फील्ड करेंट, फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, टू लिमिट द स्टार्टिंग करेंट, टू रिड्यूस आर्मेचर रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस रिवर्स ईएमएफ। तो यहाँ पर हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं? डीसी स्टार्टर का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? टू लिमिट स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टर का यूज़ करते हैं डीसी मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ द स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ होता है। स्टार्टिंग के समय अगर हम डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का देखेंगे तो क्या होता है? देखिए, बैक ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईबी इज इक्वल टू होता है, ईबी इज प्रोपोर्शनल होता है एन यानी स्पीड की। अगर स्पीड स्टार्टिंग के टाइम में लगभग कम ही होती है, जीरो होती है, तो स्पीड स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ते जाता है और स्टार्टिंग करेंट का मान भी कम होते जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा इसकी बैक ईएमएफ का मान जीरो होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।